नागपुर में चल रहे विधानसभा सत्र में कैबिनेट मंत्री महादेव जानकार के इस्तीफे पर अड़ा विपक्ष, विधानसभा में किया हंगामा। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो क्लिप में जानकार चुनाव अधिकारी पर दबाव बनाते दिखे थे, जिस पर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। रईस की रिलीज के लिए शाहरुख खान के एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर जाने पर पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने सरकार को घेरा, कहा वसूलीबाजी को बढ़ावा दे रही है सरकार। चव्हाण ने कहा शर्म की बात है कि पुलिस की बजाय लोग फिरौतीबाज के पास जा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने अपनी कैबिनेट से गोमांतक पार्टी के दो मंत्रियों को हटाया, कहा दोनों के बयान थे गठबंधन के खिलाफ। गोवा में बीजेपी का गोमांतक पार्टी से है गठबंधन, गोवा में अगले साल की शुरुआत में है चुनाव, बन सकते हैं नए समीकरण। कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डिजिटल पेमेंट से खरीदे संतरे। औरंगाबाद में एक कारोबारी ने बेटी की शादी में 90 बेघर लोगों को दिया मकान, बेटी की शादी पर 80 लाख खर्च करने का था बजट, बीजेपी विधायक दोस्त की सलाह पर बदला फैसला। नागपुर पेट्रोल पंप पर बिजली के बिलों का डिजिटल भुगतान पर डिस्काउंट मिलने से खुश नजर आए लोग, कहा सरकार ने कुछ तो राहत दी। मुंबई के कोपर खैरन इलाके में पुलिस ने 23,70,000 के नए नोटों के साथ दो लोगों को हिरासत में लिया, आरोपी नहीं बता पाए रकम का स्रोत। मुखबिर की सूचना पर कोपर खैरन में पकड़े गए दोनों आरोपी, इनकम टैक्स विभाग कर रहा है जांच। रविवार को हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट के बाद एक और मौत, जॉयराइड पर निकले रितेश मोदी ने अस्पताल में तोड़ा दम, पत्नी भी गंभीर रूप से जख्मी। छोटे पर्दे के एक्टर कमलेश पांडे ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, पारिवारिक कारणों से चल रहे थे परेशान। बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी का हलफनामा, कपिल शर्मा को भेजे अपने नोटिस को सही बताया, कहा कपिल ने कर रखा है फ्लैट में अवैध निर्माण। बीएमसी के दफ्तर से सोशल नेटवर्किंग साइट यूट्यूब किए गए ब्लॉक, अकेले बीएमसी मुख्यालय से रोज 1.6 GB के गाने होते थे डाउनलोड। नोटबंदी के असर से नवंबर में रिटेल महंगाई दर 2 साल के न्यूनतम स्तर पर लुढ़की, नवंबर में 3.63% रहा सीपीआई। आरबीआई के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी जताया भारत की जीडीपी में कमी का अंदेशा, एडीबी के मुताबिक 7% रहेगी विकास। जनवरी से 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे निशान की कारों के दाम, कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर। 100 रुपए तोले की गिरावट के साथ 28,450 रुपए हुए 10 ग्राम सोने के दाम, 1 किलो चांदी का भाव 100 रुपए की गिरावट के बाद हुआ 41,500 रुपए। 182 अंकों की बढ़त के साथ 26,697 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 51 पॉइंट्स बढ़कर 8,221 पर पहुंचा। रुपया 12 पैसे हुआ कमजोर, $1 के मुकाबले 67.54 पर हुआ बंद। अभिनेत्री सोनम कपूर का चौंकाने वाला खुलासा, कहा बचपन में हो चुकी हूं यौन शोषण का शिकार। सोनम आलिया के पुरस्कार से जुड़े सवाल पर नेशनल अवार्ड विजेता कंगना रनौत का हैरान करने वाला बयान, बोली मुझे अवार्ड में नहीं है यकीन। बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर, मनीषा कोइराला और जूही चावला ने अमृतसर में हरमिंदर साहब जाकर टेका मत्था, लंगर भी चखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ कपिल शर्मा। मुंबई मेट्रो में खबरों की शुरुआत मुलुंड की एक इमारत में लगी आग की खबर से। मुलुंड की सर्वोदय हाइट्स नाम की इमारत में अब से कुछ देर पहले आग लग गई है। इमारत के पहले माले पर स्थित फ्लैट में आग लगी थी, जिसे बुझाने के लिए 4 फायर टेंडर पहुंचे थे। आग पर काबू पा लिया गया है, हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो मुलुंड की एक इमारत में ये आग लगी है, इमारत के पहले माले पर एक फ्लैट है उसमें ये आग लगी थी, वहाँ से आग की शुरुआत हुई थी। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, 4 फायर टेंडर यहाँ भेजे गए, आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुलुंड की इमारत में लगी आग की, आग काफ़ी तेज़ थी और तेज़ी से फैल रही थी। पहले माले पर ये आग लगी थी, लेकिन
तुरंत फायर टेंडर यहां पर पहुंचे। 4 फायर टेंडर ने लगातार आग पर काबू करने का प्रयास किया और अब खबर यह आ रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए खबर अब विधानसभा सत्र की। नागपुर विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में कैबिनेट मंत्री महादेव राव जानकर को लेकर के खूब हंगामा हुआ। विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस एनसीपी के विधायकों ने मंगलवार को विधानसभा में जमकर हंगामा किया। दोनों विपक्षी पार्टियां पशुपालन मंत्री महादेव जानकर का इस्तीफा मांग रही थी। कुछ दिन पहले कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष महादेव जानकर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक चुनाव अधिकारी पर एक प्रत्याशी को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह देने का दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यांवर गुन्हा नोंदवलेला असताना त्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी विधानसभेत येणं आणि सरकारी पक्षाच्या बाजूने आपली बाजू मांडणं किंवा सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेणं हे सर्वस्वी चुकीचं आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याचं काम निवडणूक आयोगाने केलेलं असलं तरी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री त्यांना मागे घालत आहेत। आज सभागृह सुरू झाल्यानंतर माननीय जयंत पाटील साहेब आणि आम्ही सगळ्या विरोधी पक्षनेत्यांनी हा विषय उचलल्यानंतर सरळ सरळ माननीय अध्यक्ष महोदयांनी हा आमचा आवाजच दाबण्याचा प्रयत्न केला की तुम्ही हे सगळं कामकाजातून काढून टाकू अशा प्रकारची धमकी दिली। हे आणि मुख्यमंत्री असतील किंवा सत्ताधारी पक्षाचे आमदार त्याला समर्थन देत आहेत। अरे मंत्री म्हणून दादागिरी करणाऱ्या जानकरचा। चुनाव आयोग ने भी वीडियो को लेकर जानकर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हैं। मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं कि अपने किसी भी सहकारी को किसी भी मंत्री को कोई सख्त भाषा में बोले, उनको बताए कि इस तरह से नहीं चलेगा काम और एक आध उदाहरण करें, एक आध मंत्री को हटा दे अपने पद से और ये बताए कि ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री सिर्फ पद पे बने रहना चाहते हैं और वो जैसे तैसे वो समय बिताना चाह रहे हैं, कुछ होगा ऐसे मैं नहीं समझता। मुख्यमंत्री की उसे कुछ नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी मांग करती रहेगी, इस्तीफा मांगती रहेगी। बुधवार को भी विपक्ष इस मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। नागपुर से कौशल पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में एक और मौत हो गई है। रितेश मोदी अपनी 6वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए उस हेलीकॉप्टर में जॉय राइड पर निकले थे। आज उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों के मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि जुहू एरोड्रम के जॉय राइड के लिए उड़ने वाले हेलीकॉप्टर सेफ्टी मानकों पर कितने खरे हैं। मुंबई में हेलीकॉप्टर से कराई जाने वाली जॉय राइड 4 साल पहले शुरू हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक इस रविवार को आरे कॉलोनी में जॉयराइड पर निकला एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। यह हादसा काफी बड़ा हो सकता था। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को खाली जगह पर उतारा जहां पास में ही झोपड़ पट्टियां थी। इस हादसे के बाद जॉयराइड की बुकिंग में कमी आई है। हालांकि ऑपरेटर अपने हेलीकॉप्टर को पूरी तरह सुरक्षित बताते हैं। एवरी 3 or 4 years इट इज अ डिफरेंट हेलीकॉप्टर विच इज फ्लाइंग। After some hours of flying, it's mandatory to change even the engine, propeller, rotor blades, all the components, spare parts. मुंबई में शुरू पिछले 4-5 सालों से हेलीकॉप्टर जॉयराइड्स की बड़ी डिमांड है। देश के कोने कोने से लोग सिर्फ इस जॉयराइड के लिए आते हैं और एक दिन में वापस चले जाते हैं। मुंबई में ये जो जॉयराइड्स होती है वहाँ पे पगोडा, मुंबई के बीचेस, बांद्रा वाली सीलिंग, गेटवे ऑफ इंडिया, महालक्ष्मी रेस कोर्स दिखाया जाता है। लेकिन सबसे खास आकर्षण होता है मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतें और उसके पास से जाता ये हेलीकॉप्टर। सूत्रों के मुताबिक रविवार को जिस क्लच के फेल होने से हादसा हुआ था उसे हाल ही में बदला गया था और उसके लंबे समय तक चलने की उम्मीद थी। हादसे की सही वजह एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट ब्यूरो की जाँच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। मुंबई में इस समय 7 से 8 ऑपरेटर जॉयराइड करवाते हैं। इस हादसे के बाद ऑपरेटर्स और डीजीएसई की पहली प्रायोरिटी सेफ्टी और मेंटेनेंस होना चाहिए।
साथ ही इस हादसे के बाद मुंबई के जॉयराइड इंडस्ट्री पर इसका कितना असर पड़ता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो जमीन में सुरंग बनाकर डीजल और पेट्रोल की चोरी करता था। पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है लेकिन उनका सरगना अभी फरार है। ये वो शातिर लुटेरे हैं जो घरों और शोरूम में डाका नहीं डालते थे बल्कि जमीन के 15 फीट नीचे अपनी लूट को अंजाम देते थे। गोवंडी में इन लोगों ने पहले एक झोपड़ा डाला, फिर उसके अंदर करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा, उसके बाद 10 फीट लंबी सुरंग बनाकर ये उसके जरिए HPCL के तेल की पाइपलाइन से पेट्रोल और डीजल की चोरी करते थे। इस काम के लिए इन्होंने खास औजार भी बनाए थे। पाइपलाइन को क्लैंप लगा के वहां पर उसको पंचर किया था। इस पूरी घटना में लगभग 15,000 लीटर जो डीजल है वो कंपनी का वेस्ट हो गया। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी रोजाना हजारों लीटर डीजल और पेट्रोल की चोरी कर HPCL को चूना लगा रहे थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। जमीन के अंदर जैसे ही पाइपलाइन में इन लोगों ने पंचर किया, छेद ज्यादा बड़ा हो गया। पाइपलाइन से गोली की रफ्तार से डीजल बाहर निकलना शुरू हो गया। घबराहट में ये लोग छेद को ऐसे ही छोड़कर भाग गए। धीरे धीरे डीजल गड्ढे से बाहर निकलकर ऊपर आया तो इस मामले का खुलासा हुआ कि हमारे बोरिंग में सुबह तेल का पानी आने लगा था, इसके लिए हमने उनके गार्ड जो राउंडिंग में रहते उनको बता दिया कि आपके कई लाइन लीकेज है और तेल में हमारे पानी आ रहा है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग HPCL की पाइपलाइन से मुंबई के कुछ और इलाकों में भी इसी तरह चोरी कर रहा था। गैंग का सरगना फरार है। तेल का ये पाइपलाइन मुंबई से सोलापुर जाता है। मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।